हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और ग्रेड, ठीक है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट्स निकाला था, तो क्रॉस प्रोडक्ट्स निकाला था यानी कि सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, ये पढ़ा था। आज हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए, पहली हेडिंग यही है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो हम वेक्टर ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसमें, पहली हेडिंग यही है, तो दो वेक्टर लेंगे, तो यानी कि टू वेक्टर चाहिए। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। अब वेक्टर्स तो कर दिया, यहां पर कैपिटल बी लेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट्स का मीन्स क्या है कि यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना, ठीक है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए हम लेट मान लेंगे क्या, देखिए, ए वेक्टर इक्वल ए वन ई वन वैक्टर, ए टू ई टू वैक्टर प्लस ए थ्री ई थ्री वेक्टर, और बी वेक्टर इक्वल सॉरी बी वन ई वन वेक्टर प्लस बी टू ई टू वेक्टर प्लस बी थ्री ई थ्री वेक्टर। अब हम क्या लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होगा, ए वन ई वन वेक्टर प्लस ए टू ई टू वेक्टर प्लस ए थ्री ई थ्री वेक्टर डॉट बी वन ई वन वेक्टर प्लस बी टू ई टू वेक्टर प्लस बी थ्री ई थ्री वेक्टर, ये होगी। अब ये वैल्यू क्या होगी, ए वन बी वन, यानी कि क्या होगा, ए वन बी वन और ई वन डॉट ई वन क्या हो जाता, वन, लेकिन बाकी अदर के साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह क्या हो जाएगा, ए टू बी टू ई टू वैक्टर डॉट ई टू वैक्टर, बाकी के साथ जीरो होता है, आप ये सब जानते हो, ठीक है, प्लस ए थ्री बी थ्री ई थ्री वैक्टर डॉट ई थ्री वैक्टर। अब क्या हो जाएगा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल ई वन ई वन, वन हो गया, ई टू वन हो गया, और ई थ्री का डॉट वन हो गया, यानी कि क्या आ गया, ए वन बी वन ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमने क्या कह सकते हैं, ए आई इंडेक्स लगा दें बी आई, और फॉर ऑल आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वन टू थ्री है, तो यानी कि ए वन बी वन आएगा अगर वन रखेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा तीनों डायरेक्शन के लिए, ए टू बी टू, और प्लस में कितना आ जाएगा, ए थ्री बी थ्री। ये तो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम इसके निकालेंगे डेरिवेटिव, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डेरिवेटिव निकाले थे, उसी तरह हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी था ये, आपने पढ़ा भी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब क्या है डेरिवेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स,
ठीक है, ये एडिंग है हमारी। अब देखें इसमें क्या है, क्या निकालना है, डी अपॉन में डी टी ए डॉट बी, एक कॉलम है, प्रूफ करना है क्या ए डॉट डी बी अपॉन में डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी डॉट बी, ये हमें लेके आना है। देखिए अब क्या होगा, अब इस स्टेप में करेंगे तो हम इसकी प्रूफ को लेके चलें, यानी कि प्रूफ में देखिए क्या होगा, एल एच एस ले लें, एल एच एस होगा डी अपॉन डी टी ए डॉट बी, यही होगा। अब ए डॉट बी होगा, अब देखना आगे नेक्स्ट स्टेप में। कल मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर अगर डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालना हो तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यही होगा। और क्या होगा, ए में कितना डिफरेंस है, डेल ए का डिफरेंस हुआ है, और इनटू बी प्लस डेल बी, ठीक है, यही होता है। पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कितना है, डेल ए और दूसरा क्या है, डेल बी, तो उसमें से यानी कि जो अंतर हुआ, यानी कि यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस डेल ए और बी प्लस डेल बी, और उसमें से पहला वाला माइनस कर दें, ए डॉट बी माइनस कर दें अपॉन क्या कर दें, डेल टी। अब आगे देखिए आप क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट डेल बी प्लस डेल ए डॉट बी प्लस डेल ए डेल बी माइनस ए डॉट बी, और यहाँ लिमिट लगी थी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो अपॉन क्या है, डेल टी, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखिए लिमिट को हम अलग अलग लगा देंगे, तो लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो ए डॉट डेल बी अपॉन डेल टी प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल ए अपॉन डेल टी इंटू बी, ठीक है, और प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो क्या है, डेल ए अपॉन डेल टी कर दें इंटू में डेल बी। अब देखिए आप इसको जानते हो कि लिमिट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी बी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी इंटू बी, और आगे वाली स्टेप जीरो, क्यों, क्योंकि डेल टी की वैल्यू जब जीरो की तरफ जाती है तो डेल बी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो दैट्स मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट डी वी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी डॉट बी, और इक्वल में क्या आई हमारे पास, आर एच एस आ गया, क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो यानी कि इजी था, कुछ भी नहीं था। डेरिवेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट में हमने दो जैसे कल किया था, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि ए प्लस डेल ए और ए प्लस डेल बी में से क्या माइनस करेंगे, ए डॉट बी, पहली वाली जो स्टेप है वो माइनस कर देंगे अपॉन में डेल टी, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है टी के रिस्पेक्ट में और डिस्टेंस निकालना है, तो यानी कि ये माइनस होगा डिस्टेंस, यानी कि लेंथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गए तो उसके डिस्टेंस निकालने के लिए करा, ठीक है, और उसको सॉल्व आउट किया ए डॉट बी, इसको खोल दिया हमने, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लगा के खोला और उसे सॉल्व आउट किया तो डेल बी अपॉन में डेल टी, और लिमिट लग जाए डेल टी टेंस टू जीरो तो वो क्या हो जाता है, डी बी अपॉन में डी टी। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, डी ए अपॉन में डी टी डॉट बी, और आगे वाली स्टेप क्या हो गई, जीरो, ठीक है, ये एज इट इज आ गया, आगे वाली स्टेप को निगलेक्ट कर दिया, अब ये क्या आ गया हमारे पास, आर एच एस, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, ये हमने पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट और कल हमने पढ़ चुके थे क्रॉस प्रोडक्ट, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन ऑफ पोजिशन, ठीक है, ये हेडिंग है।
अब ग्रेडियंट का मतलब है ग्रेड से शो करें, GRAD ग्रेड, ठीक है। और ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन हम लेंगे फाई, लेट स्केलर, स्केलर का मतलब अदिश राशि, स्केलर फंक्शन इज फाई, फाई है यानी कि यहाँ कोई इंडेक्स नहीं होगी, फाई बिना इंडेक्स के ही होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है यानी कि स्केलर फंक्शन है। अब देखिए क्या निकालना है हमें, ग्रेड फाई निकालना है, ग्रेड फाई को हम कहते हैं डेल फाई, ठीक है, उल्टा डेल से शो करते हैं। अब उल्टा डेल क्या होता है ये आपको मैं बता दूं, डेल इक्वल इवन वेक्टर डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ई टू वैक्टर डेल अपॉन डेल वाई प्लस ई थ्री वैक्टर डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब ये तो होता है, आप यहां एक चीज और कर सकते हो, यहां लगा दो आई कैप जे कैप के कैप, ये तो वेक्टर नोटेशन में हो गया, लेकिन हम कंटेनम में क्या पढ़ते हैं, पहले आपको लास्ट वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ इस कंटेनम में कि आई जे के को हम क्या मानते हैं, ई वन ई टू ई थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई वन वैक्टर डेल अपॉन में डेल एक्स की जगह वाई वन, यहाँ फिर वाई टू और आगे वाई थ्री, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे वाई वन वाई टू वाई थ्री, ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है, एक्स वाई जेड का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए डेल अपॉन में डेल वाई वन प्लस ई टू वैक्टर डेल अपॉन में डेल वाई टू प्लस E3 वेक्टर डेल अपॉन में डेल Y3। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, E1 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y1 प्लस E2 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y2, E3 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y3, और क्या आ गया फाई, ठीक है फाई आ गया। अब फाई का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, E1 वेक्टर डेल फाई अपॉन डेल वाई वन प्लस ई टू वैक्टर डेल फाई अपॉन डेल वाई टू प्लस ई थ्री वैक्टर डेल फाई अपॉन डेल वाई थ्री, ठीक है। अब इसी चीज को ग्रेड फाई, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, समेशन ई वन वैक्टर, ठीक है, और डेल फाई अपॉन में डेल वाई वन, ठीक है। समेशन का मतलब है जैसे ई वन के लिए एज इट इज ई टू के लिए हो जाएगा और एज इट इज ई थ्री के लिए भी हो जाएगा। तो अब आगे इसको हम क्या लिख देंगे, फाई विद आई, विद आई का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आई की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, और ये क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे। तो फाई विद आई लिख सकते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू आई ये किस तरीके से आपने लिखा है कि यहाँ पर इंडेक्स नहीं आएगी क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकल सकता है। तो वाई वन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर वाई टू के रिस्पेक्ट में, फिर वाई थ्री के रिस्पेक्ट में, और ये आप टेंसर में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। अब क्या है, फिर से सुनिए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, लेट स्केलर फंक्शन क्या मान लिया, फाई मान लिया, ग्रेड फाई इक्वल डेल फाई, और ग्रेड फाई की वैल्यू हमने ग्रेड की वैल्यू ये रखी और फाई आ गया, ई वन डेल फाई अपॉन में डेल वाई वन प्लस ई टू डेल फाई अपॉन में डेल वाई टू प्लस ई थ्री डेल फाई अपॉन में डेल वाई थ्री, ग्रेड फाई बराबर समेशन ई वन डेल फाई अपॉन में डेल वाई वन, फाई विद क्या लिख दिया इसको आई लिख दिया, और आई को हम वापस खोलेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। अब देखिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या है, अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट में पहली है ग्रेड एफ प्लस माइनस जी इक्वल ग्रेड एफ
प्लस माइनस ग्रेड जी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी में प्रूफ लेंगे, तो प्रूफ लेंगे तो दैट्स मीन्स हम LHS लेके चलेंगे और RHS ले आएंगे। तो देखिए प्रूफ में एक बार सुनिए इसको कि हमें ग्रेड कर्ल, ठीक है, ग्रेड कर्ल डॉट, ठीक है, और आगे क्रॉस प्रोडक्ट जो भी हमने पढ़ा है वो उनके जो इक्वेशंस है, जैसे C बराबर हम क्या लेते थे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको क्या लेते हैं एप्साइलन आई जे के ए जे बी के, इनको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो ये क्या बोलते हैं A डॉट B वेक्टर को ए आई बी आई, ठीक है। फिर हमने लिखा डेल फाई, डेल फाई को क्या बोलते हैं फाई विद आई, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ही यूज में आते हैं, आपको वहां निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ग्रेड एफ प्लस माइनस जी, ग्रेड की वैल्यू वही क्या लिखेंगे हम, डेल एफ प्लस माइनस जी, ठीक है, डेल की वैल्यू E1 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y1 प्लस E2 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y2 प्लस E3 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y3, और क्या आएगा F प्लस माइनस जी, यही वैल्यू होगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां देखिए आगे करें E1 डेल अपॉन में डेल Y1 F प्लस माइनस जी हो लिया, ठीक है, प्लस E2 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y2 F प्लस माइनस जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, E3 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y3 F प्लस माइनस जी, यही वैल्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसे क्या क्या करेंगे हम, E1 वेक्टर क्या लिखेंगे डेल अपॉन डेल Y1 F प्लस माइनस E1 वेक्टर डेल G अपॉन डेल Y1 प्लस, सभी को खोल देंगे इसी तरह, डेल F अपॉन डेल Y2 प्लस माइनस, ठीक है, और आगे खोलेंगे ये क्या आएगा E3 वेक्टर डेल F अपॉन डेल Y3 प्लस माइनस E3 वेक्टर डेल G अपॉन डेल Y3, ये वैल्यूज आएंगी। अब हम F वाली एक साथ लिख लें, F वाली जो जो है, ये एक तो ये है और ये प्लस प्लस सिंगल प्लस एन में, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे E1 वेक्टर डेल F अपॉन डेल Y1 प्लस E2 वेक्टर डेल F अपॉन डेल Y2 प्लस E3 वेक्टर डेल F अपॉन डेल Y3, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि बाहर रख दें प्लस माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट में वैल्यू क्या बची हमारे पास में, हमें प्लस माइनस जी चाहिए, यानी कि ये बचा अपने पास E1 वेक्टर डेल जी अपॉन डेल Y1 प्लस E2 वेक्टर डेल जी अपॉन डेल Y2 और प्लस E3 वेक्टर डेल जी अपॉन डेल Y3, ये आएगा। और इक्वल में अब देखिए यहाँ से F हटा दें, ये क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल Y1 प्लस E2 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y2 प्लस E3 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y3 और इनटू में F, ठीक है। आगे क्या है, प्लस माइनस E1 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y1 प्लस E2 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y2 और प्लस में E3 वेक्टर डेल अपॉन डेल Y3 और क्या आएगा बाहर जी, जी आएगा। अब इस वैल्यू को क्या कह सकते हैं आप, डेल F कह सकते हैं इस वैल्यू को, डेल प्लस माइनस डेल G, और हम इसको और लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ग्रेड F प्लस माइनस ग्रेड जी, और वो क्या आ गया हमारे पास RHS आ गया। इजी था, क्या है
ग्रेड एफ प्लस माइनस जी इक्वल, यानी कि ग्रेड की डेफिनेशन लगा दी डेल, और डेल को लग दिया इवन इवन वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई वन प्लस ई टू वैक्टर डेल अपॉन डेल वाई टू प्लस ई थ्री वैक्टर, यानी कि खोल दिया। उसके बाद एफ प्लस माइनस जी का अंदर सबके अलग अलग मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो डेल अपॉन में डेल वाई वन के साथ किया, फिर डेल अपॉन डेल वाई टू के साथ, फिर डेल अपॉन डेल वाई थ्री के साथ, फिर इनको अगेन खोला हमने, तो ये क्या होगा इवन वेक्टर डेल एफ अपॉन डेल वाई वन प्लस माइनस इवन वेक्टर डेल जी अपॉन डेल वाई वन, इस तरीके से सबको खोल दिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एफ की टर्म एक साथ कर दी और जी की टर्म एक साथ कर दी। अब एफ की टर्म एक साथ करी है, उसमें क्या कॉमन आ रहा है, एफ बाहर निकाल दिया, इसमें फंक्शन क्या निकाल दिया, जी बाहर निकाल दिया, इसको क्या कह दिया डेल एफ, और अगले वाले को क्या कह दिया हमने डेल जी, यानी कि ग्रेड एफ, और क्या आ गया प्लस माइनस ग्रेड जी। तो ये ग्रेड की डेफिनेशन है। अब हम एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो और देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है बी पार्ट ग्रेड एफ जी इक्वल डेल एफ जी इक्वल में एफ ग्रेड जी, और प्लस जी ग्रेड एफ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसके प्रूफ में, क्या ले लें हम, लेके चलें एलएचएस पार्ट को, हम लेके चलें क्या आएगा ग्रेड एफ जी इक्वल डेल एफ जी। ठीक है, डेल की वैल्यू खोलेंगे तो क्या आएगा इवन वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई वन प्लस ई टू वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई टू प्लस ई थ्री वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई थ्री, और इसके साथ में क्या आ जाएगा एफ जी, यही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ जी को अंदर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इवन वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई वन एफ जी प्लस, इजी है ये, कुछ भी नहीं है, अगर आप एक बार इसको देख के अगर खुद भी निकालोगे ना तो आपको आराम से आ जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई थ्री एफ जी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, यू इंटू वी से खोलेंगे, यानी कि यू इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्या होगा डेल, ये हो जाएगा क्या, अगर मैं ये लिख दूं एफ डेल जी प्लस जी, या ये लिख दें डेल एफ अपॉन डेल वाई वन जी प्लस ई टू वेक्टर, हमें क्या आगे क्या होगा एफ डेल जी अपॉन डेल वाई टू प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल वाई टू प्लस ई थ्री वेक्टर, ये क्या हो जाएगा एफ डेल जी अपॉन डेल वाई थ्री प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल वाई थ्री, ये वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में जी को मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में एफ 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 जिसमें सेम है, मतलब एफ यानी कि सिंगल टर्म है, उनको एक साथ लिख लो आप। ठीक है, क्या होगा इवन वेक्टर एफ डेल जी अपॉन डेल वाई वन प्लस ई टू वैक्टर एफ डेल जी अपॉन डेल वाई टू प्लस ई थ्री वैक्टर एफ डेल जी अपॉन डेल वाई थ्री। ठीक है, प्लस में नेक्स्ट स्टेप में जी वाली टर्म एक साथ लिखनी है हमें, तो जी क्या होगा इवन वेक्टर जी डेल एफ अपॉन डेल वाई वन प्लस ई टू वेक्टर जी डेल एफ अपॉन डेल वाई टू ई थ्री वेक्टर जी
डेल एफ अपॉन डेल वाई थ्री, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कह देंगे, एफ कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, ई वन वैक्टर डेल जी, और डेल जी को भी मैं बाहर फंक्शन के रूप में रखूंगे, डेल वाई वन प्लस ई टू वैक्टर डेल अपॉन डेल वाई टू प्लस ई थ्री वैक्टर डेल अपॉन डेल वाई थ्री, क्या आएगा, जी आएगा, जी वैक्टर प्लस यहाँ जी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, ई वन वैक्टर डेल अपॉन डेल वाई वन प्लस ए टू वैक्टर डेल अपॉन डेल वाई टू प्लस ई थ्री वैक्टर डेल अपॉन डेल वाई थ्री, जी ये होगा। अब इस वैल्यू को हम क्या कह देंगे, एफ, इसको क्या कह देंगे, ग्रिड, ग्रिड जी, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रिड जी, और आगे वाली क्या हो जाएगी, जी ग्रेड एफ, और जो कौन सा पार्ट आ गया, आर एच एस, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, फिर ग्रेड पढ़ा, और डॉट प्रोडक्ट की डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, और ग्रेड की यानी कि ग्रेडियंट की हमने प्रॉपर्टीज दो टाइप की पढ़ी। अब हम नेक्स्ट इसमें और अदर चीज़ें भी देखेंगे, तो अगर आप लोग इसके नोट्स नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ इनको बनाओ रेगुलरली, क्योंकि ये मेन है, यही फंडामेंटल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, और आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहो, क्योंकि देखने से ही आपका बर्डन कम होगा, वरना वीडियोस इकट्ठी हो जाएंगी और आपका सिलेबस काफ़ी लेंदी है, और वो सिलेबस आपसे कंप्लीट नहीं होगा, और माइंडली आप प्रेशर में आ जाओगे कि बाद में कि इतना कैसे हम पढ़ें। तो इसलिए इन वीडियोस को आप रेगुलरली देखो और इन्हें फॉलो करके आप नोट्स आराम से बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका मैं छोड़ूंगी या आपका कुछ छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो इसमें टॉपिक पढ़ाए जाएंगे पूरे कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।